गुड मॉर्निंग 10th क्लास। टुडे वी डू एक्सरसाइज 2.3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिवाइड द पॉलिनोमियल पी एक्स पॉलिनोमियल बाय द पॉलिनोमियल जी एक्स। दो पॉलिनोमियल गिवन है, पी एक्स और जी एक्स। पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करना है और आपको फाइंड आउट निकालना है क्यूसेंट की वैल्यू और रिमाइंडर की वैल्यू, जो कि आपने 9th क्लास के 2nd चैप्टर में आपने किया हुआ है। वैसे ही यहाँ पे आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है क्लास। तो करते हैं क्लास, चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और फर्स्ट पार्ट। हमें पी एक्स जो पॉलिनोमियल गिवन है वो है एक्स की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। ये पॉलिनोमियल गिवन है और इसको डिवाइड करना है आपको किससे, जी एक्स पॉलिनोमियल से, और जी एक्स पॉलिनोमियल हमारी एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो डिवाइड करते हैं क्लास, चलो फर्स्ट टर्म है हमारी x की पावर 3 और यहाँ पे x की पावर 2। तो x की पावर 3 बनाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x से। x इंटू एक्स की पावर 3, 2 इंटू एक्स की पावर 3। x इंटू माइनस 2 माइनस 2x, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वेयर, तो एक्स स्क्वेयर के नीचे हम ये टर्म नहीं लिखेंगे। x की पावर 1 है ना, तो x की पावर 1 के नीचे यानी माइनस 2x। अब यहाँ पे कोई टर्म नहीं है तो इसकी जगह पे आप प्लस 0 कर दीजिएगा। अब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं क्लास, सब्ट्रैक्शन करते हैं तो साइन चेंज करेंगे टर्म्स के, माइनस प्लस। x की पावर 3 से x की पावर 3 कैंसिल और माइनस 3x स्क्वायर प्लस 0, तो यानी माइनस 3x स्क्वायर। और प्लस 5 प्लस 2 प्लस 7x, और लास्ट टर्म क्या है, माइनस 3 भी उतार लिया साथ में। उसके बाद माइनस 3x स्क्वायर बनाना है, यहाँ है आपकी x स्क्वायर, तो किससे मल्टीप्लाई करें, माइनस 3 से। माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, और माइनस 3 इंटू माइनस 2 प्लस 6। सब्ट्रैक्शन साइन चेंज करेंगे, प्लस माइनस, 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर कैंसिल आउट, और बीच में कोई टर्म नहीं है उसके स्थान पे आप 0 लगाएंगे, तो 7x प्लस 0 7x, और माइनस 3 माइनस 6 एडिशन हुआ माइनस 9। अब यहाँ पे x की पावर 2, यहाँ x की पावर 1, तो पावर कम हो गई, तो ये हमारा रिमाइंडर हो गया, आगे स्टेप चलेगा नहीं, तो ये हमारा आंसर आ गया रिमाइंडर। और क्वेश्चन क्वेश्चन ये है, तो नीचे हम लिखेंगे रिमाइंडर, हमारा आंसर क्या हुआ है, क्या है हमारा आंसर, 7x माइनस 9, और क्वेश्चन एक्स माइनस 3, ये हमारा आंसर हुआ क्लास। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। कोई भी बच्चों, कोई भी छोटा सा छोटा डाउट हो प्लीज मुझसे शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, तो पी एक्स हमें पॉलिनोमियल गिवन है क्लास सबकी बार, एक्स की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, तो यानी x की पावर 3 वाली नहीं है, तो उसकी जगह पर 0 कर देते हैं क्लास। x की पावर 3 टर्म नहीं है, तो उसके स्थान पे 0 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब ये पॉलिनोमियल है, इसको हमें डिवाइड करना है x की पावर 2, टर्म्स आगे पीछे है रिप्लेस,
ऑर्डर वाइज हम अरेंज कर लेंगे, माइनस एक्स प्लस वन से डिवाइड करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, और ये है इसकी डिग्री 4। तो चलो करते हैं क्लास, यहाँ है एक्स की पावर 2 और यहाँ है एक्स की पावर 4। तो एक्स की पावर 4 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करें, एक्स की पावर 2 से। एक्स की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 2 मल्टीप्लाई माइनस एक्स, तो माइनस एक्स की पावर 3। देखिए तभी तो मैंने जीरो लगाई, क्योंकि यहाँ पे एक्स की पावर 3 वाली टर्म नहीं है। उसके बाद एक्स स्क्वेयर प्लस मल्टीप्लाई प्लस वन, तो प्लस एक्स स्क्वेयर। अब सब्ट्रैक्शन करते हैं क्लास, सब्ट्रैक्शन के साइन पे साइन चेंज होंगे, प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में। एक्स की पावर 4 से एक्स की पावर 4 कैंसिल, प्लस का एक्स क्यूब और प्लस जीरो यानी एक्स की पावर 3, माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 3 एक्स स्क्वेयर माइनस 4 एक्स स्क्वेयर। अब नेक्स्ट टर्म उतार ली प्लस के 4 एक्स। अब हमारे पास क्या टर्म है, यहाँ पे एक्स की पावर 3 बनाना है और यहाँ है एक्स की पावर 2, तो किससे मल्टीप्लाई करें, प्लस एक्स से। प्लस एक्स इन टू प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स की पावर 3, और प्लस एक्स इन टू माइनस एक्स माइनस एक्स की पावर 2, प्लस एक्स इन टू प्लस वन प्लस एक्स, प्लस साइन चेंज करेंगे माइनस प्लस माइनस। एक्स की पावर 3 से एक्स की पावर 3 कैंसिल आउट, माइनस 4 एक्स स्क्वेयर प्लस का 1 एक्स स्क्वेयर, तो माइनस 3 एक्स स्क्वेयर, और प्लस के 4 एक्स माइनस एक्स प्लस 3 एक्स, और नेक्स्ट टर्म प्लस 5 उतार लिया। अब नेक्स्ट माइनस 3 एक्स स्क्वेयर बनाना है, प्लस का एक्स स्क्वेयर है, तो किससे मल्टीप्लाई करें, माइनस 3 से। माइनस 3 इंटू प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 3 एक्स स्क्वेयर, माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस एक्स प्लस 3 एक्स, और माइनस 3 मल्टीप्लाई प्लस 1 माइनस 3। साइन चेंज करेंगे सब्ट्रैक्शन साइन, प्लस माइनस प्लस कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, तो आंसर हमारा रिमाइंडर 8 आ गया। रिमाइंडर एट आ गया आंसर, और क्वेश्चन क्वेश्चन का आंसर हमारा आ गया एक्स की पावर 2 प्लस एक्स माइनस 3। अब फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है क्लास, एक्स की पावर 4 माइनस 5 एक्स प्लस 6 को डिवाइड करना है 2 माइनस एक्स स्क्वेयर से। तो इसके लिए हमने देखिए ऑर्डर वाइज अरेंज कर लिया, एक्स की पावर 4, उसके बाद आता है एक्स की पावर 3, वहाँ पे ये टर्म है नहीं तो जीरो आ गया। उसके बाद आता है एक्स की पावर 2, यहाँ भी टर्म नहीं है एक्स की पावर 2, तो उसके प्लेस पे हमने जीरो राइट कर दिया। उसके बाद आता है माइनस 5 एक्स प्लस 6, और 2 माइनस एक्स स्क्वेयर था, यहाँ पे मैंने ऑर्डर वाइज अरेंज कर लिया माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 2। अब पॉलिनोमियल यानी पी एक्स पॉलिनोमियल को जी एक्स से डिवाइड करना है, तो डिवाइड करें तो यहाँ पे है प्लस के एक्स की पावर 4 और यहाँ है माइनस एक्स स्क्वेयर, किससे मल्टीप्लाई करें, माइनस एक्स स्क्वेयर से। माइनस एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस का एक्स की पावर 4, उसके बाद माइनस एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई 2, तो माइनस 2 एक्स स्क्वेयर। साइन चेंज करेंगे सब्ट्रैक्शन, प्लस माइनस में माइनस प्लस में चेंज हो गया, एक्स की पावर 4 से एक्स की पावर 4 कैंसिल, प्लस के 2 एक्स स्क्वेयर, और नेक्स्ट टर्म ये तो जीरो ही है, और उससे आगे माइनस 5 एक्स। अब किससे मल्टीप्लाई करें कि टू एक्स स्क्वेयर बने, माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वेयर है, तो किससे मल्टीप्लाई करें, माइनस 2 से। माइनस 2 इंटू माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस के 2 एक्स स्क्वेयर,
और माइनस टू इंटू प्लस टू प्लस फोर, इससे पहले हमें सिक्स भी उतार लेते हैं क्लास, तो प्लस प्लस टू मल्टीप्लाई माइनस टू माइनस फोर, साइन चेंज करेंगे प्लस माइनस प्लस, टू एक्स स्क्वेयर से टू एक्स स्क्वेयर कैंसिल, नेक्स्ट टर्म हमारी बच गई माइनस फाइव एक्स और प्लस टेन। अब देखिए यहाँ पावर वन है, यहाँ एक्स की पावर टू है, तो पावर कम हो गई, तो यहीं तक हमारा आंसर होगा। ये तो हमारा रिमाइंडर, रिमाइंडर का आंसर हुआ माइनस फाइव एक्स प्लस टेन और क्यूसेंट क्यूसेंट का आंसर हुआ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू। आई होप टुडे यू विल लर्न प्रॉपरली और आप अपना होमवर्क भी अच्छी तरह से कर रहे होंगे।